भैरिया टाउन आ गए हम। सो गाइस, कराची का भैरिया टाउन तो बहुत देख लिया आपने व्लॉग्स में मेरे, अब हम आए हैं पिंडी के भैरिया टाउन। चलो आज हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कराची और पिंडी के भैरिया टाउन में कितना डिफरेंस है और कितना ये अच्छा है कितना वो अच्छा है। सो आज हम ये देखेंगे। इसका हरियाला बहुत प्यारा है, वो तो नेचुरल ब्यूटी है ना यहाँ पे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में क्या करेंगे वो तो मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ। सो अभी करते हैं हम छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन। अगर आप मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज अमन, बट यू कैन कॉल मी एम, एंड आई फील रियली ग्लैड इफ यू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिलो। काफी डिफरेंस है यार, काफी ज्यादा डिफरेंस है। हमारे कराची वाले में एंट्री काफी अच्छी है हमारी, कि भैरिया टाउन में एंट्रेंस हो रहा है। यहाँ पे एंट्रेंस बहुत ही मतलब कराची से तो बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे शॉप मार्केट्स बहुत ज्यादा है भैरिया टाउन में, जो हमारे कराची में अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार। कराची में तो ऐसी मतलब बाजारे वजारे नहीं है भैरिया टाउन के अंदर, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ से बैंगलोर से स्टार्ट हो गए हैं भैरिया टाउन के, गाइस देख सकते हैं आप। यार असल में यहाँ नेचुरल ब्यूटी है ना, उसकी वजह से घर वगैरह सब कुछ प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। बाकी भैरिया टाउन देखा जाए तो कराची का ज्यादा ब्यूटीफुल है। नहीं, नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड तो ये अच्छा है। इधर शीशे कैफे आपको हर चीज यहाँ मिलेगी, वहाँ ये चीजें मिलती नहीं है। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी होगी ना यार, वहाँ पे अभी इतनी नहीं हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगी। पिंडी का भैरिया टाउन काफी छोटा है कराची से, मतलब कराची का देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ का बहुत छोटा है। भैरिया टाउन बहुत प्यारा बना हुआ है, हरियाली बहुत है ना इधर। यहाँ पे बहुत क्राउड है, कराची वाले भैरिया टाउन में इतना क्राउड नहीं है। अबे वो नया भी बना, दूसरी बात है उधर का अलग माहौल है इधर का अलग माहौल, हर जगह की अपने चॉइस होती है। हाँ, ये बात भी है, देखी जा सकती है। और यहाँ कैफे वगैरह भी है, चीजें काफी। यहाँ पे असल में बाजारे है, मॉल मॉल है यहाँ पे, मॉल तो बहुत ज्यादा है। ओह, मॉल्स भी है यहाँ पे, शॉपिंग एरियाज भी है, हर चीज ही है। मुझे मतलब यहाँ का भैरिया भैरिया नहीं लग रहा, मैं कराची के भैरिया में रहती हूँ इसलिए मैं मतलब यहाँ का भैरिया देख रही हूँ, तो ये मुझे आम एक जगह लग रही है, भैरिया नहीं लग रहा है अभी तक तो मुझे फील ही नहीं आई। आपको भैरिया टाउन नजर आ जाएगा, चलो आगे जाके देखते हैं। मतलब एंट्री में भैरिया टाउन की सारी शॉप्स वगैरह है, और उसके बाद भैरिया टाउन के हाउस वगैरह मतलब घर वगैरह स्टार्ट होंगे, है ना। Yes, तो हमारे कराची में भी ऐसा ही है, शुरू में घर वर्ड नहीं है इतने, शुरू में नॉर्मल शॉप है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके का बना हुआ है। वो भी मलक रियाज भाई ने बनाया, ये भी इसी ने बनाया। हाँ, लेकिन मतलब रियाज भाई बोल रहे हो, डिफरेंस बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे सिर्फ हम घर देखते हैं, भैरिया टाउन मलक रियाज बहुत अच्छे बनाएगा, सारी गलतियाँ ना यहाँ पे कोई गलती उसको नजर आ रही है सारी वहाँ निकाल देगा, क्योंकि भैरिया टाउन एक नंबर बन जाएगा। एक नंबर बन चुका है ऑलरेडी, है ना, क्या बनेगा। हाँ, वो तो और बनेगा, लेकिन चलो अभी आगे हम एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें और कौन सी जगहें हैं, क्या घूमने की जगह है और क्या है पूरा भैरिया टाउन, ऊपर ऊपर से पूरा हम देखेंगे आज। भैरिया टाउन का चील चौक आ गया है। इन्होंने असल में ना भैरिया टाउन की हर जगह का अपनी तरह से नाम रख लिया है। वैसे ये ईगल कराची में भी है, कराची भैरिया टाउन में भी है। अभी हम जा रहे हैं भैरिया टाउन के फेज 6 में, है ना, फेज 7 में। नाइस वन। फेज 7 में स्टैचू है जो हमारे कराची में नहीं है, तो वो देखते हैं। मतलब जू के टिकट वगैरह भरने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप जानवरों को एंजॉय कर सकते हो। वाह, नाइस वन यार, इधर टिकट भी नहीं है मगर टिकट के। हाँ, ये पार्क है गाइस, जो विदाउट एनी टिकट आप एंजॉय कर सकते हो, जो बच्चों को लेकर आओ। वाह यार, दिस वन इज नाइस।
काफी ज्यादा व्यूज काफी बहुत 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 अच्छे हैं, बिकॉज वो तो खैर पिंडी है सो व्यू तो अच्छा होगा ही। सो यहाँ से फेस 8 स्टार्ट होगा और फेस 8 में है विलास, और फेस 8 में ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो हमारे कराची में नहीं है, यहाँ पर है, सो वो तो मस्ट विजिट है भाई। खूबसूरती तो वैसे भी यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी की वजह से बहुत ज्यादा है, पर भैरिया को अगर देखा जाए तो मलिक रियाज ने भैरिया कराची का मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा बनाया। बाकी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज बताना कि आपको कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, इनका मतलब सिक्योरिटी काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, इनकी एंट्रेंस है उसके बाद विलास है, मतलब आम बंदा ऐसे इंटर नहीं हो सकता है। हाँ वो गार्ड्स वगैरह है यहाँ पे, हमारे में मेन गेट पे ही है। हाँ हमारी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है यहाँ पे। विलास तो काफी मतलब कराची जैसे ही है, कुछ मतलब वैसे नहीं है, कराची जैसे ही है, बस थोड़ा बिट डिफरेंस, इतना ज्यादा नहीं। देखिए ये एंट्री है और अंदर सारे विलास बने हुए हैं। काफी अच्छे विलास बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विलास यहाँ के मतलब वो है, बिल्कुल बहरिया के लुक जैसे ही हैं, अच्छे हैं। ये घर कितने प्यारे बने हैं, कलर इतना अच्छा लग रहा है। ये मेरे ख्याल से बड़े विलास है ना, वो जो थे वो नॉर्मल थे, ये बड़े हैं। ये हमारे घर जितने जितना हमारा घर है ना कराची मेरी नहीं है, नहीं उससे बड़ा है। हमारा 235 स्क्वायर फीट पे कितना है, 220 गज पे, ये भी 220 गज पे। नहीं 220 नहीं, हमारा कितना है, ये बड़े 235 है, ये इससे बड़े हैं। ये मेरे ख्याल से जो इस कराची स्पोर्ट सिटी में जो है बड़े विलास, ये वो लुक है, लेकिन इनका लुक काफी डिफरेंस है, मतलब ये अलग 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 कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं। ये हमारे साथ एक मक्की आई बैठी थी हैदराबाद से इस गाड़ी में, हमें बहुत तंग करा, वो भी बेरियट पर इस्लामाबाद में उतर गई, उसकी जिंदगी बन जाएगी, वो या किसी से शादी कर लेगी। अजीब बातें स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ गया क्या है यहाँ पे, वैसे ये नजारा है। नुमान ने कहा था ये बहुत मतलब, असल में नुमान यहाँ पे पहले भी आ चुका है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने ये बहरिया फर्स्ट टाइम देखा है। उतर के तो जाओ, बहुत प्यारा है भाई, रात का टाइम, ये मैं आपको नीचे उतर कर भी विजिट कराती हूँ गाइस। क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहा है? वी आर ऑन भैरिया टाउन पिंडी, मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल सामने बैठी हूँ। नजारा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी की वजह से बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। अच्छा ब्रो, कैसा माहौल है? अगर मैं यहाँ से गिर गई तो गिर जाऊंगी, अल्लाह ना करे भाई, तेरा कड़ा बनी है। अभी देखते हैं कि और यहाँ के भैरिया में और कौन सी जगह। ये प्लाजा बन रहा है, बेसमेंट है, ठीक करो इसका। तो बड़ा यार गड्ढे में बुला रहे हैं यार ये लोग। ऐसे छोटा सा पार्क बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्क्स हैं, चीज मैंने देखी है, वो तो खैर बहरिया कराची में भी है, यहाँ पर भी है काफी ज्यादा पार्क्स हैं यहाँ पे, छोटे 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 छोटे। भिखारी के बच्चे आ गए, भिखारी के बच्चे, सही खेल गए बहन। पार्क हर सच में बहुत प्यारा है, घर है, विला है, समझ नहीं आ रहा खैर, लेकिन बहुत प्यारा है। जो भी हैं बहुत प्यारे हैं, ये एफिल टावर है। यहाँ
यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह हर चीज की शॉप है, कंप्लीट मार्केट है, कंप्लीट मार्केट है भाई। हाँ यहाँ पे आपको खाना पीना वगैरह हर चीज मिलेगी। हम कराची के भैया में रहते हैं तो हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हमें कराची जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ के भैया वालों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। गाइस ये भैया के अपार्टमेंट्स हैं, ये बहुत घुट रहा है ये ब्लॉक भी है। यहाँ के अपार्टमेंट्स भी आप देखिए मतलब किस तरीके के बनाए हुए हैं, वहाँ के अपार्टमेंट्स भी मतलब बहुत ज्यादा जगह है, गाड़ियों की पार्किंग से लेके पार्क से लेके, ये बहुत प्लेस बहुत छोटा सा है और बहुत घुट सारा है। वो बिरयानी उनको पूरा घुमाएंगे और घुमाए ना, और इसका मेन गेट भी मजे वाला नहीं है गाइस। हमारे कराची के जो भैरिया का मेन गेट है वो बहुत प्यारा बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है। खैर गाइस ये तो थे हमारे व्यूज, अगर आपके क्या व्यूज है वो आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा। हेलो एवरीवन, सो हम आए थे शाम में भैरिया और यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब एक होता है ना कंजेस्टेड टाइप का, ये काफी ज्यादा छोटा है और हद से ज्यादा क्राउडेड प्लेस और कंजेस्टेड, काफी ज्यादा कंजेस्टेड लगा मुझे तो। पर ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे हर चीज आपको मिलेगी, मतलब हर चीज से लेके हर चीज। हमारे वाले कराची वाले भैरिया में ऐसा नहीं है, बट अभी हम यहाँ पे शीशा कैफे सर्च कर रहे हैं, हमने सुना है यहाँ पे शीशा कैफेज भी है, सो अभी हम शीशा कैफे सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। और शीशा कैफे का अगर मैं बोलूँ तो कराची में शीशा कैफे नहीं है, यहाँ पर है, दो है, एक ओपन एरिया में है एक बंद एरिया में, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, आई डोंट नो, हम तो सर्च आउट कर रहे हैं बिकॉज हमें इतना आइडिया नहीं है। सो अभी हम चलते हैं शीशा कैफा कैफा शीशे कैफे, और मैं आपको शीशे कैफे भी दिखाती हूँ बैरियर टाउन पिंडी का। ओके गाइस, सो ये हमने एक भैरिया के हम उसमें थे और कैफे में जहाँ पे हमने शीशा पिया, और अभी हम जा रहे हैं भैरिया से निकल रहे हैं बाहर। सो अभी हमें अपनी वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जितना मुझे भैरिया मतलब खुद से वो हुआ मैंने आपको दिखाया, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उस पर कॉमेंट करना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उस पर कॉमेंट कर दीजिएगा। एंड उसके अलावा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गाइज अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा एंड जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मोर वीडियोज, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। सो बाय बाय।